डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरियस करेक्टर फंक्शंस विद एग्जीक्यूशन। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ करेक्टर फंक्शंस, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ओरेकल लाइव पे। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपके थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों जो है वो कवर हो जाए। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से भी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर। तो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे केस फंक्शन मैनिपुलेशन, और दूसरा हमारे पास आ जाता है करेक्टर मैनिपुलेशन। मतलब एक तो आ गया केस मैनिपुलेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि यार मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग अगर दी हुई है उसको लोअर करेक्टर में अगर रिप्रेजेंट करना है, या कैपिटल में उसको रिप्रेजेंट करना है, या फिर उनके जो इनिशियल करेक्टर्स हैं उनको कैपिटल करना है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है ना, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं बैकएंड पे टेबल्स वगैरह में, जब हम उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब जब हम उस डेटा को देखना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है कि यार मेरे को उसको लोअर करेक्टर में ही शो करना है, अपर में शो करना है, या उनके जो इनिशियल लेटर है उनको मेरे को कैपिटल करना है। तो अगर मेरे को इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो मैं डायरेक्टली इन बिल्ट फंक्शन है मेरे पास इक्वल में, दैट इज केस मैनिपुलेशन फंक्शन, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। दूसरा हमारे पास रहता है करेक्टर मैनिपुलेशन। करेक्टर मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर करेक्टर्स है, कोई स्ट्रिंग है, अगर मुझे उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कनकैट, कनकैटिंग का मतलब क्या है, कनकैटिनेशन। जैसे हमारे पास दो अगर स्ट्रिंग है वरुण सिंगला, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इकट्ठा ये लिख के देगा, मतलब दोनों को क्या कर देगा, कनकैट कर देगा, मतलब दोनों को कंबाइन कर देगा। देन हमारे पास रहता है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग में से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग निकालनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वरुण 2.4, इसका मतलब क्या है कि 2 मतलब ये वन फर्स्ट करेक्टर है, ये सेकंड है, तो A से लेके उसके बाद थर्ड फोर्थ मतलब R और U, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, ARU। मतलब एक स्ट्रिंग में से अगर मुझे सेकंड से लेके फोर्थ तक सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो दैट इज व्हाट अ SUBSTR। देन आ जाता है इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग का फंडा क्या है कि लेट्स से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वर्ड की, किसी पर्टिकुलर करेक्टर की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, किसी पर्टिकुलर करेक्टर की अगर लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तब मैं यूज करता हूं इन स्ट्रिंग। तो जैसे देखो वरुण यू की अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या आउटपुट देगा, 1, 2, 3, 4, फोर्थ प्लेस पे क्या है, यू जो है वो किस पे है, फोर्थ प्लेस पे है, तो इस तरीके से आउटपुट क्या दे देगा, 4। मतलब सिंपल सिंपल से पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज वगैरह में, या फिर आपकी जो रैकल सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर सर्टिफिकेशन, वहां पे छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आ जाते हैं। देन लेंथ फाइंड आउट करनी है, अगर लेट्स से स्ट्रिंग दी हुई है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जैसे इसका आंसर क्या दे देगा, 5। एल पैड लेफ्ट में अगर मुझे कुछ पैडिंग करनी है, तो वरुण 10 मतलब कि टोटल मेरा 10 हो जाएगा, और स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि जो भी मुझे वर्ड को, जो भी कुछ भी, कोई भी करेक्टर अगर मुझे पैड करना है, तो ये क्या करेगा, स्टार 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 5 टाइम्स स्टार आ जाएगा, और उसके बाद तो मेरा ऑलरेडी क्या है, वरुण ऑलरेडी है ही। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल लेंथ मेरी इतनी है 10, और जितने बाकी प्लेसेस हैं अदर देन दिस, वो सारे क्या भर जाएंगे, वो स्टार से फिल हो जाएंगे। ये तो हो गया लेफ्ट, ये क्या है राइट। राइट के केस में क्या करेगा, बस पहले वरुण और फिर उसके बाद 5 टाइम्स क्या कर देगा, स्टार। टोटल लेंथ आपकी 10 है, जिसमें से वरुण जो है वो 5 करेक्टर का हो गया, तो बाकी की जगह पे वो क्या भर देगा, स्टार। जो भी आप यहां पे लिखोगे वो सिंपली उसको पैड कर देगा। देन ट्रिम आ गया। लेट्स से मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसमें से कोई वर्ड को ट्रिम करना है, कोई पर्टिकुलर करेक्टर को ट्रिम करना है, तो वी फ्रॉम वरुण, तो एक आउटपुट दे देगा अरुण, ARUN। देन आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब लेट्स से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्लेस करना है किसी और करेक्टर से, जैसे वरुण है, वी को रिप्लेस करना है टी से, तो क्या बन जाएगी आउटपुट, तरुण बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल से फंक्शन है बट ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी क्या देखते हैं, एग्जीक्यूशन देखेंगे ओरेकल लाइव पे। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे ये सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना है, तो पहले स्कीमा बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो वैल्यूज लिखी हुई है, कोड जो है वो इसका लिखा हुआ है अभी, जस्ट टू सेव द टाइम, ठीक है ना, टाइम को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉई टेबल बनाया, ईएमपी टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें हमने आईडी और नेम दो ही मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट डाले हैं। देन अगर हम बात करें, इसमें हम दो रोज डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और इस तरीके से हमने यहाँ पे रोज, ठीक है ना, दो रोज हमने डाल दी हैं। लो जी, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और इधर से रन कर दो। तो जैसे ही रन किया,
रोज जो है वो आपकी इंसर्ट हो चुकी हैं, कौन कौन सी, वन और गेट्स मैशर्स टू कॉमा वरुण सिंगला। तो मतलब आईडी की वैल्यू वन और टू और नेम हमने गेट्स मैशर और वरुण सिंगला। देख लेते हैं इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी से आपको जो है वो इसका पूरा का पूरा डेटा जो है वो शो हो जाएगा। लो जी, रन किया और लो इस तरीके से हमारे पास जो है वो आउटपुट शो हो गई है। ठीक है, वन गेट्स मैशर, टू वरुण सिंगला। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे केस मैनिपुलेशन वाले, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे केस वाले में कौन सा था, लोअर अपर एंड इनिट कैप। ठीक है, आप एक में भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट एक एक करके आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपको इजीली दिख जाए। आप एक कमांड में भी तीनों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने सबसे पहले सिलेक्ट लोअर वाले को किया, तो लो जी रन किया, रन करने के बाद आपको इस तरीके से आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, मतलब नेम को मैंने लोअर किया ना, तो नेम क्या थे, गेट्स मैशर और वर्म सिंगला, तो उसने लोअर कर दिया। ऐसे अगर हम बात करें अपर की, तो इस तरीके से आपका जो है वो अपर काम करेगा। रन कर दो, रन करने के बाद ये देखो सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल हो गए। देन इनिट कैप मतलब इनिशियल जो है वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। जैसे फर्स्ट नेम हो और मिडिल नेम हो, लास्ट नेम हो, तो हमने अगर उसको पर्टिकुलर करना है तो लो जी फर्स्ट और इसको क्या कर दिया, इसने कैपिटल में शो कर दिया पहले पहले लेटर को, हर एक वर्ड में पहले लेटर को कैपिटल में। तो ये आपके केस वाले। देन अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन वाले, तो उसमें हमारे पास ये वाले थे। तो लो जी ये भी हमने सारे एज इट इज मैंने पहले ही इसको कर रखा है ताकि आपको जो है वो यहाँ पे टाइम का सेव हो जाए। तो सबसे पहले कंकैटिनेट यूज कर रहा हूँ। कंकैटिनेट में मैंने क्या किया, आईडी और नेम मतलब दोनों जो हमारे पास कॉलम है ना उन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, तो दोनों की वैल्यू जो है वो एक ही टेबल एक ही कॉलम में शो कर देगा। एक ही कॉलम में देखो वन गेट्स मेजर टू वन, पहले ये दो कॉलम थे, अब इनको कंबाइन करके एक ही में इसने शो कर दिया। देन अगर हम बात करें सबस्ट्रिंग और INSTR, इसको भी मैंने इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप दो तीन फंक्शन को एक कमांड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इसको मैंने इसीलिए करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखो नेम में मैंने क्या किया, दो से लेके पांच तक, टू से फाइव तक की मैंने सबस्ट्रिंग निकाल ली। तो देखो आपके पास यहाँ पे टू से लेके फाइव तक ये क्या था, गेट्स मैशर्स था ना, तो जी पहला लेटर हो गया, ए टी ई और फिर स्पेस को भी काउंट करता है और फिर एस, तो ये टोटल जो है वो आपके टू थ्री फोर फाइव चार करेक्टर इसने उठा ली। और देन अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा कौन सा था अपना, वरुण था, हाँ वरुण, तो उसमें ए आर यू एन, तो इसने इस तरीके से उठा लिए। यहाँ पे देखो गेट्स मैशर्स की अगर हम बात कर लें ना, तो देखो इसने यहाँ पे स्पेस को गाइस काउंट नहीं किया। ठीक है ना, इसने डायरेक्ट जो है वो पांच लेटर निकाले हैं, तो गेट जी ए टी ई तीन लेटर ये हो गए, और चौथा लेटर मेरा क्या था यहाँ पे स्पेस, और पांचवा लेटर मेरा यहाँ पे क्या था, पांचवा लेटर था यहाँ पे एस। ठीक है ना, तो स्पेस जो है वो यहाँ पे हो गया। और दूसरे वाले में देखो पांचवा लेटर क्यों नहीं आया, क्योंकि स्पेस था पांचवा, फिफ्थ स्पेस क्या था, फिफ्थ जो था वो एक्चुअल में स्पेस था, तो स्पेस को काउंट किएगा, तो जब स्पेस को काउंट करेगा तो ऑब्वियसली चार लेटर आए। तो इस तरीके से आपको जो है वो समझ आ ही गया होगा कि स्पेस को ये कैसे काउंट करता है। देन आई एन एस टी आर, अब इसमें हमने क्या किया, टी का जो है, टी देखो किस पोजिशन पे है, तो टी यहाँ पे है ही नहीं आपका, तो टी की बजाय लेट से मैं टी की बजाय अगर मैं वी लिख देता हूं, ठीक है ना, वी, तो नेम में से मैं अगर वी ले लूं तो देखो किस तरीके से शो करता है आपका, अच्छा कैपिटल वी ले रहा हूं ना, हमने डेटा में आई थिंक स्मॉल डाला हुआ है, तो स्मॉल वी, ये वैसे तो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तब केस सेंसिटिव है। नॉर्मल आप कोई भी कमांड किस तरीके से लिख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो स्मॉल वी लिखा, तो गेट वाले में तो है ही नहीं वी, वरुण वाले में वी है, तो देखो वी आपका पहले लेटर पे है, पहली पोजीशन पे है, तो इस तरीके से आपको पोजीशन। देन लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ आपको शो कर देगा दोनों की कितनी लेंथ है। नेम वाले पे हमने लगाया, तो देखो पहले के 13 लेटर हैं, दूसरे में 12 लेंथ है। ठीक है, देन एल पैड किया, लेफ्ट में हमने पैडिंग किया है, तो इस तरीके से आपने लेफ्ट में पैडिंग कर दी है। तो लो जी ये आपका पूरा का पूरा लेटर, और लेफ्ट में जितनी पोजीशन बचे टोटल लेंथ है 15, तो ये आपका जो है वो आई थिंक ये था आपका 13 लेंथ का था, हाँ, और बाकी के जो दो है उसमें उसने स्टार फिल कर दिया। नेक्स्ट वाला 12 लेंथ का था, तो बाकी की पोजीशन में उसने तीन जो है वो स्टार एम्बेड कर दिया। ऐसे ही राइट पैड करोगे तो राइट साइड में शो कर देगा। देन ट्रिम, ट्रिम करते हैं, वी हमने ट्रिम कर दिया, मतलब नेम में से हमने वी ट्रिम कर दिया, तो ऊपर वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें तो वी है ही नहीं। नीचे वाला देखो वरुण की जगह अब अरुण सिंगला दिखा रहा है, ठीक है ना, तो ट्रिम करना
सिंपल ऐसे ही रिप्लेस कर रहे हैं, v को हमने t से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो लो जी v को हमने t से रिप्लेस कर दिया, तो ऊपर वाले में तो है ही नहीं v, नीचे वाले में v था वरुण, तो उसकी जगह आप क्या कर दिए इसने तरुण। तो ये बेसिक सा आप कह सकते हो कि सिंपल सी कोडिंग है। ये फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। थैंक यू।